इस मसालेदार सब्जी को एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे तैयार करते हैं। कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम कुंदरू लिया है। कुंदरू को धुलकर साफ कर लिया है। कुंदरू की सब्जी को कट कर लेते हैं इस तरह से। इसे अलग नहीं करेंगे, इस तरह से चार पीस कर लेंगे, नीचे से जुड़ा रहेगा। इस तरह से कट कर लिया है, इसी तरह से सारे कुंदरू कट कर लेंगे। कुंदरू को हमने चार पीस में कट कर लिया, इस तरह से नीचे से जुड़ा रहेगा। इस तरह से कट करके तैयार कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई गर्म हो गई है, आज को मीडियम रखेंगे। 5 चम्मच सरसों का तेल रख देते हैं। हो गया, कुंदरू ऐड करते हैं, फ्राई कर लेते हैं। कुंदरू में 1/4 चम्मच नमक ऐड करते हैं। कुंदरू को फ्राई कर लेते हैं। कुंदरू को 5 मिनट तक तेज आंच पे फ्राई कर लिया है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच जीरा ऐड करते हैं। 1 पिंच हींग ऐड करते हैं। जीरे के चटकने तक 1 मिनट तक भून लेते हैं। 1 तेज़पत्ता ऐड करते हैं। 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, फ्लेवर अंत तक भून लेते हैं। 3 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है। 1 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च ऐड करते हैं। प्याज ऐड करते हैं। सभी को फ्राई कर लेते हैं। प्याज लाल हो चुकी है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं। लहसुन अदरक को 2 मिनट तक भून लिया है। टमाटर ऐड करते हैं। एक चम्मच लाल मिर्चा पाउडर ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। को मिक्स कर लिया है। 2 मिनट तक टमाटर गलने तक भून लेते हैं। मसालों को टमाटर के साथ 2 मिनट तक भून लिया है। 1/2 कटोरी पानी ऐड करते हैं। टमाटर प्याज गलने तक ढककर 2 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम आंच पर। मसाले को खोलकर भून लेते हैं। मसाले को 5 मिनट तक भून लेते हैं बराबर चलाते हुए मीडियम। मसाला से भून गया है, तेल छोड़ने लगा है। कुंदरू ऐड करते हैं। कुंदरू को मसाले के साथ 2 मिनट तक भून लेते हैं। आधा कटोरी पानी ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ढककर 5 मिनट तक कुंदरू को पका लेते हैं मसाले के साथ, जिससे मसाला अच्छे से उपजाऊ हो जाए। खोल कर चेक करते हैं, सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। डिलीशियस मसालेदार कुंदरू की सब्जी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। रेसिपी को आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।